बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फ़ज़ल और करम से ठीक होंगे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उन सबको सेहत और तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। जो रिज़्क़ की वजह से परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनका रिज़्क़ को शादा फ़रमाए। और जो बेनमाज़ी हैं, अल्लाह पाक उन सबको 5 वक्त का नमाजी बनाए और हमें इस जहान और अगले जहान दोनों जहानों की नियमतें, दौलतें और रहमतें अता फ़रमाए, आमीन। आज मैं बना रही हूँ झटपट बनने वाली नाश्ता, तो बहुत जल्दी बन जाता है। सिनेमन ब्रेड स्लाइस। तो इसके लिए चीज़ें चाहिए, ब्राउन शुगर ली है। आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो आप वाइट शुगर भी ले सकते हैं। ब्राउन शुगर मैंने ली है 2 टीस्पून। मक्खन लिया है 1 टेबलस्पून और सिनेमन पाउडर लिया है मैंने 1/2 टीस्पून। ये दालचीनी का पाउडर है। दालचीनी को लेके आपने पीस लेना है किसी कुंडी में, छोटी कुंडी में जो मीठी होती है, मिर्चों वाली में नहीं पीसना। और इसका पाउडर छान के ले लेना है 1/2 टीस्पून। और 2 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। आप ब्रेड ले लें, वाइट ले लें और मीठी ले लें, मैंने ब्राउन वाले लिए। तो चलिए रेसिपी झटपट बनने वाली है, इसको स्टार्ट करते हैं। ब्राउन शुगर, मक्खन और सिनेमन पाउडर तीनों को करना है मिक्स पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये आप ना के देखें, इसका जायका बड़ा टेस्टी बनता है। अगर आपको ब्रेड स्लाइस मीठे खाने हैं नाश्ते में तो आप ये ज़रूर बना के खाइएगा। अच्छे से मिक्स कर लेना है, मक्खन में मिक्स कर ली है दोनों तीनों चीज़ें। अब इसको ब्रेड पर लगाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों स्लाइस को हमने इससे कवर कर लेना है। ब्रेड की एक साइड पे भी लगाएंगे और दूसरी साइड पे भी लगाएंगे। ब्रेड की एक तरफ मैंने लगा ली है। अब इसको रखूँगी फ्राई पैन में या तवे पे। तवा मैंने गरम होने के लिए रख दिए, तो अब इसके ऊपर स्लाइस ब्रेड का रख दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्की आंच पे रखना है। अब इसकी दूसरी साइड पे भी मैं ये वाला बैटर लगा दूँगी। दूसरे ब्रेड के स्लाइस के ऊपर भी मैंने मक्खन वाला बैटर लगा दिया, मक्खन वाला बैटर। आपको जितना पसंद है, ज़्यादा लगाना चाहें ज़्यादा लगा लें, कम लगाना चाहें कम लगा लें। तो हल्की आंच पे इसको टोस्ट करना है कि हल्का सा क्रंची हो जाए, गोल्डन हो जाए। इसको तेज़ आंच पे नहीं बनाना। ये देखिए एक तरह से हो गया है, मैंने साइड चेंज कर दिए। 1 से 1.5 मिनट में हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। दोनों स्लाइस हो गए, दोनों को मैंने उतार लिए और देखें क्रंची से बने। तो अब इनको मैं कट करके दिखाती हूँ। एक तेज़ वाली नाइफ लें और इससे ऐसे काट लें। सिनेमन ब्रेड स्लाइस तैयार है। बहुत यमी बने हैं और बहुत क्रंची से बने हैं। आप ये ज़रूर बनाइएगा सुबह के नाश्ते के लिए, ट्राई करके देखिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ट्राई मस्ट है।